साई नहीं आया अभी तक? नहीं। कहाँ रह गया वो? वो जानता है कि इस समय मैं उसके लिए खाना लेकर आती हूँ। सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। आप देखिएगा, जब वो वापस लौटेगा ना, मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। कैसा दोस्त है? क्या कोई दोस्त बिना बताए कहीं जाता है? पर मैं तो उससे बात किए बगैर नहीं रह पाऊंगी। साई के बिना मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। चलिए पंता जी, अंदर जाते हैं। हाँ। ये टूट जाएगा वहां से। कुछ दिखाई दे रहा है अंता जी? पंता जी, यहां तो कोई भी नहीं है। कहां गए सब लोग मातम मनाने? आप हटिए, मैं देखता हूं। हाँ हाँ। पंता जी, जो मैं सुन रहा हूँ क्या वही देख रहे हैं? हाँ, अंदर त्रंबक मरा पड़ा है और उसके शव के पास में केवल उसकी पत्नी है। पर बाकी के लोग कहाँ हैं? लगता है सब लोग खंडर गए हैं उस बैरागी को सबक सिखाने। अंता जी, गुणवंता अंदर चली गई है। हम शव को पास में जाकर देखते हैं। चलिए।
जी, ये सच में मरा पड़ा है या ऐसी लेटा हुआ है? मैं देखता हूँ। अरे तुम लोग, अच्छा त्रंबक का हालचाल पूछने आए हो? तुम दोनों को कैसे पता चला कि इसकी तबीयत खराब है? नहीं, सिर्फ तबीयत खराब है। वो गांव वाले कह रहे थे ना, त्रंबक ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, साई ने इसे बिल्कुल ठीक कर दिया। तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो ना इसके, है ना? तभी तो हालचाल पूछने आ गए जल्दी जल्दी। यहाँ कहाँ बैठे हुए हो? यहाँ बैठो ना, बैठो, अच्छे से हालचाल पता करो। मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ, बैठो। अरे बैठो। ये पत्ता जी, बंता जी, अब क्या करेंगे? ये तो जिंदा है। बंता जी, मौका मिले ना तो इसे यही मार देते हैं। ये क्या? पकोड़े। पकोड़े? हाँ, तुम लोगों को बहुत पसंद है ना, खुद भी खाते हो, दूसरों को भी खिलाते हो। खाओ। नहीं तो? नहीं नहीं नहीं। क्यों? नहीं तो का क्या मतलब? पकोड़े तो खाने ही पड़ेंगे। ले लो। पकोड़े? ये तो लाल मिर्च है। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए। ये लो। तलमुहो। इस घर की तरफ आंख उठा के देखा ना तो टांगे तोड़ के रख दूंगी, कुलकर्णी के चमचे। अंधा करने की वो दोनों सास बहू तो मानो झांसी की रानी हो गई है। पता नहीं कौन सी लाल मिर्ची थी, इतना रगड़ रगड़ के धोने से भी जला नहीं जा रही। ये सोचकर परेशान हूँ कि कुलकर्णी सरकार को जब पता चलेगा कि त्रंबक मरा नहीं है, जिंदा है, तब क्या होगा? सरकार तो हमें मार ही डालेंगे। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, साई से दवा लेने के लिए रुका था इतनी देर तक, लेकिन कब तक रुको? तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं साई कब तक आएंगे, जाके वापस आते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग तो कह रहे थे कि साई यहाँ किसी भी समय वापस आ सकते हैं। मैं तो यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि इतने लोग साई से इलाज कराने के लिए रुके हैं, अगर साई वापस आ भी गए तो क्या वो इलाज करेंगे?
पर गांव वालों तो कह रहे थे कि साई ने कसम खाई है कि वो किसी को औषधि नहीं देंगे। क्या 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 साई अब किसी को दवा नहीं देगा? जी हाँ। जी, त्रंबक की तबीयत बिगड़ने के बाद से ढोंगी ने यह निर्णय लिया है कि वो अब किसी को भी औषधि नहीं देगा। और तो और, शिरडी भी छोड़कर चला गया है साई। अगर ये खबर सरकार को हमने दी तो हो सकता है हमारी जान बच जाए। और अगर हम साई के पास आए मरीजों को सरकार के पास ले जाए तो सोचिए सरकार हमें वो इनाम देंगे जो उन्होंने आज तक नहीं दिया। कैसे सोच लेते हैं आप इतना सब कुछ बनता जी? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? जी अपने घर। पर तुम तो साई से इलाज करवाने आए थे ना? लेकिन साई तो है नहीं। साई नहीं है तो क्या हुआ, कुलकर्णी सरकार तो है ना। और वैसे भी शिरडी के एकमात्र वैद्य है वो। लेकिन कुलकर्णी सरकार तो बहुत पैसे लेते हैं। लो अंता जी, मुफ्त में इलाज करके जान जाए ये चलेगा ही नहीं, लेकिन पैसे देकर जान बचाना ये इन्हें मंजूर नहीं है। अरे साई कोई वैद्य थोड़े ना है। क्या साई वैद्य नहीं है? साई वैद्य? अरे वो मरीजों को सांप का जहर दे देता है। अरे हमने तो ये भी सुना है कि वो इलाज के नाम पे घास फूस पत्ते देता है लोगों को। और नहीं तो क्या, तुम्हें जो करना है वो करो, जाओ। हम लोग तो वैसे तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे थे। सही कह रहे हो भाई, मैं तो कुलकर्णी सरकार के पास ही जाऊंगा। तुम दोनों क्या सोच रहे हो, चलो हमारे साथ। साई के इलाज करने का अंदाज अलग जरूर है, पर हमने साई के उपचार के बारे में बहुत कुछ सुना है। हमारे गांव में मोटू मल को नींद न आने की बीमारी थी, पर साई ने उसे बिना दवा के ठीक कर दिया। आप लोगों को जाना है तो जाओ, मैं तो अपना इलाज साई से ही करवाऊंगा। तुम्हारी मर्जी। शाम को अगर तुम वापस आए और साई ना मिले तो आ जाना कुलकर्णी सरकार के पास तुम्हारे इलाज के लिए। चलो कुलकर्णी सरकार के पास इलाज के लिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। जी बाबू। Yeah.
प्रसाद लीजिए। जय खंडोबा। प्रसाद दीजिए। अरे भाई साहब का, आपका भाई यहां। लीजिए प्रसाद लीजिए। कि साई जंगल में, मैं जानती हूं वो जंगल में, उसी ने मुझे बचाया, वही था वो। आप सच कहते थे महालसा पति जी, गहरी ठेस पहुंची है उसके मन को, दर्द से तड़प रहा है मेरा बेटा, इसलिए वो सबको छोड़ के चला गया, क्यों जाने दिया उसे।
तरह दुखी ना हो बायजा माँ, तुम तो समझो मुझे। मैं अभी नहीं आ सकता। हो सकता है वो सबसे दूर जाना चाहता हो, लेकिन अपनी माँ से दूर नहीं जा सकता। माँ की ममता उसे वापस लाएगी, जरूर लाएगी। अगर वो दृढ़ है तो मैं उससे अधिक दृढ़ हूं, क्योंकि उसकी माँ हूं मैं।